और क्यों आई हो? और अगर आई भी हो तो यार साइलेंटली क्यों खड़ी हुई थी? अगली बार ना मैं डीजे लेके आऊंगी अपने साथ। अरे यार तुम भागते हुए यहाँ पे आए थे ऋषि के पास, तो मैं आई गॉट वरीड, मुझे डर लगे कि ऋषि तो ठीक है ना, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ? मैं ठीक हूँ मनिष्का, इनफैक्ट पहले से भी ज्यादा बेटर हूँ, क्योंकि जो कल्प्रिट है ना उसका नाम पता चल गया। कल्प्रिट क्या? लेकिन ये तो लक्ष्मी ने की, आई मीन उससे गलती से हुआ ना, ये सब अनजाने में हुआ था। लक्ष्मी ये गलती कभी अनजाने में भी नहीं कर सकती है मनिष्का। कोई है जिसने लक्ष्मी का नाम खराब करने की कोशिश की? कोई और है। हाँ कोई और है, और हमें पता है कि वो कौन है। किसी और ने, मतलब ये सब किसी और ने किया है? तो कौन है, किसने किया ये? है कोई कब्तार नमक हराम क्रिमिनल मनिष्का? यू नो व्हाट, एक शेफ मिसिंग है मनिष्का होटल में, और वो शेफ इसलिए मिसिंग है क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना वो उस मिसिंग इंसान ने किया है। शेफ कौन सा शेफ मिसिंग है? हमारा सबसे पुराना और ट्रस्टवर्दी शेफ मुकेश। मुकेश? या तो मुकेश को, अरे मुकेश ये सब कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो अपने होम टाउन गया है ना। व्हाट? हाँ व्हाट, और वो अपने होम टाउन गया, ये बात तुम्हें कैसे पता? हाँ बताओ कैसे पता तुम्हें? अरे मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा, परमिशन तो मुझसे ही लेके गया था ना। इनफैक्ट ये बात तो नीना आंटी को भी पता है कि वो अपने घर गया हुआ है। क्या? हाँ नहीं, आर यू श्योर मलिष्का? अरे श्योर मींस व्हाट, तुम चाहो तो नीना आंटी को फोन करके पूछ लो। श्योर? ओह मैन, चमाती बुरी खबर लेके आती है। कमाल है, सब कुछ क्लियर होने ही वाला था कि अभी नया ड्रामा आ गया। आई नो ऋषि भाई, ये सब बताने के लिए तो भाग भाग के आया था आपके पास, पर हुआ क्या, बैक टू स्क्वायर वन जहां थे वहीं आ गए यार फिर से। यार कोई क्लू नहीं मिला लक्ष्मी अभी को छुड़वाने के लिए। अब कोई बात नहीं आयुष, कब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती और सच कभी मरता नहीं है। लेकिन आज कंडीशन ये है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है ऋषि, एंड दैट शेफ मुकेश वो अचानक अपने होम टाउन चला गया है, आज भी मेरा शक उसी पर है, और उसके वापस आने तक हमें दूसरा सबूत चाहिए, और ये दूसरा सबूत जुटाने में हमें वक्त की जरूरत है। समय तो नहीं है सर हमारे पास, कल हियरिंग है लक्ष्मी भाभी की, कैसे छुड़वाएंगे उन्हें, क्या करेंगे हम हियरिंग में? एक रास्ता है। क्या? लेकिन वो रास्ता है बड़ा मुश्किल, और उसके लिए तुम्हें हाँ कहना पड़ेगा ऋषि। लक्ष्मी पर जो इल्जाम लगे हैं वो सारे इल्जाम हमें किसी और पर डालने पड़ेंगे। What? No, हम ये नहीं कर सकते हैं। ये गलत है, इनह्यूमन है और इलीगल भी तो है ना। अगर किसी को गलती से भी पता चल गया ना ये सब, ये प्लान के बारे में, तो लक्ष्मी का केस और ज्यादा बिगड़ सकता है। We can't do that. I'm talking to you, Rishi. Rishi, ये हाथ में कुछ वक्त लेने की बात है, to buy some time. और अगर हम ऐसा करते हैं, इल्जाम किसी और पे लगा देते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा। एग्जैक्टली, हम कहेंगे कि हमारे शेफ से गलती हुई थी और हम कोर्ट से दूसरी तारीख ले लेंगे, और तब तक वो शेफ मुकेश भी वापस आ जाएगा, और फिर हम उसे क्रॉस एग्जामिन करेंगे और उसे सच बुलाएंगे, और इससे हमारा केस और स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग ग्राउंड रहेगा हमारे पास लक्ष्मी को इस केस से बाहर निकालने के लिए। और इसके लिए तुम्हारे यहां की जरूरत है, तो हम ये करें या ना करें? हाँ सर, मेरी हाँ है, मेरी हाँ, कुछ भी करूंगा लेकिन लक्ष्मी को जेल से बाहर निकलवा के रहूंगा। मैं साथ हूँ आपके, जो भी आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार। ओके, लक्ष्मी इस घर की लक्ष्मी है, कोई जाने ना जाने मेरा दिल जानता है,
हमारा परिवार अब उसी से है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैंने ना आपसे बात करनी बंद कर देनी है। ऋषि और लक्ष्मी की जोड़ी कभी ना टूटे, समझ लो बस। हाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था आपके होते हुए लक्ष्मी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर ये मेरी किसी गलती की सजा है, मैंने उसके साथ गलत किया या मेरी फैमिली ने उसके साथ गलत किया, तो प्लीज भगवान उसकी सजा मुझे ही दीजिए, लक्ष्मी को नहीं। वो बेकसूर है, उसे कसूरवार मत प्रूव होने देना, प्लीज प्लीज भगवान। चलो ये घर से साड़ी आई है, इसे पहन लो, कोर्ट जाना है। ऋषि, मुझे पता है तुम मुझे यहां वापस नहीं आने दोगे, घर लेकर जाओगे मुझे। तुमने वादा किया है, तुम्हारा वादा भी नहीं टूटेगा जैसे ये नहीं टूटा। ऋषि भाई, एक मिनट आओ मेरे साथ। क्या हुआ, तू इतना टेंस क्यों है? भाई मैंने सुना है वो मिस्टर अमोद है ना, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इस केस में आज। मिस्टर अमोद? वो तो हाँ भाई, वही मिस्टर अमोद, अपेरेंटली वकीलों का बाप बोलते हैं उन्हें। भाई वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है हमारे केस में, और मैंने सुना है कि आज तक हर केस में हर किसी को सजा दिलाई है उन्होंने। इट्स स्कैरी। हाँ लेकिन उनके हर केस में हर कल्प्रिट मुजरिम होगा इसलिए, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया, इसलिए लक्ष्मी के सामने कोई भी वकील क्यों ना जाता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीतेगी लक्ष्मी, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर आज हारेगा, वो भी लक्ष्मी की वजह से। यस मैन, आई आल्सो विश द सेम ऋषि भाई, मैं तो सुबह से बस प्रेयर्स करे जा रहा हूँ। भाभी, मिस्टर बासु, ही इज द बेस्ट। इनफैक्ट आयुष को तो मैंने ये कहते हुए सुना है कि लक्ष्मी को छुड़ाने के लिए कोई प्लान भी बना लिया। पर तुमने शायद ये नहीं सुना कि डिफेंस के जो लॉयर हैं वो मिस्टर आमोद हैं, एंड ही एक्चुअली इज द बेस्ट। तो आई थिंक आज ये मिस्टर बासु भी कुछ कर नहीं पाएंगे। गुड। क्या हुआ ऋषि? कुछ नहीं हुआ दादी। सच बता, कुछ हुआ तो नहीं है ना? एक्चुअली लक्ष्मी के खिलाफ जो वकील है ना वो बहुत स्ट्रांग है दादी, लेकिन हमें किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, और आज लक्ष्मी किसी भी हाल में घर वापस आएगी, नो मैटर व्हाट। यस ऋषि भाई, आई एम रियली प्रेइंग। भाभी ने हर मुश्किल में हम सबका साथ दिया, इतना पेन सहाया ताकि हम में से किसी को कभी पेन ना हो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी आना, सच्ची है वो, और सच्चे लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। वो कोर्ट डिसाइड करेगा, सो लेट्स जस्ट वेट। या और तुम दोनों चुप रहो, जज बनने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ऋषि ओबेरॉय, आज आपकी वाइफ लक्ष्मी ओबेरॉय की कोर्ट में हेयरिंग है, क्या लगता है आपको क्या होगा आज? लगता क्या है, लक्ष्मी इनोसेंट है, और लक्ष्मी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती है। आपको क्या लगता है, आप उन्हें बेगुनाह साबित कर पाएंगे? लगता नहीं है, मुझे पता है लक्ष्मी ने कोई गलती नहीं की और वो बेगुनाह है, और ये बात आज कोर्ट में प्रूफ भी हो जाएगी, देख लीजिएगा। आपको आपकी पत्नी पर पूरा भरोसा है? पत्नी पर भी पूरा भरोसा, और हमारे देश के सिस्टम पर भी। मिसेस नीलम ओबेरॉय, आज ओबेरॉय की बहू कटघरे में होगी, और ओबेरॉय की इज्जत भी, हजारों सवाल और मानी, रितु ठीक है ना? मानी, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे नहीं होना चाहिए था ऐसे माहौल में, और तू यहाँ है उसका क्या? तू इतना सब सह रही है, मुझे 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 तुझसे मिलने आना था, इसीलिए मैं आ गई। शालू दी, ये इतनी ज्यादा चिंता कर रही थी, ये एक मिनट भी नहीं सोई है, तो कैसे नहीं लेके आती इसको? मैंने गलत किया? मानी मैं ठीक हूँ, देख सच्ची में ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। दी तू ना बस घर आ जा, मैंने और शालू ने बाबा जी से तेरे लिए अरदास की है,
हम ना तेरे घर आते ही लंगर करवाएंगे पास वाले गुरुद्वारे में। जितना हो पाएगा, जैसा हो पाएगा, हम लंगर करवाएंगे। तू बस घर आ जा। आ जाएगी, घर आएगी, मैं लंगर करवाऊंगा। ओके ऋषि, है ना, मुझे अच्छे से घर ले आएगा। बाबूजी हैं, दादी हैं, आयुष आना, सब लोग आए ना, चाची भी हैं, सब है। बस तुम दोनों हिम्मत रखना। इनकी हमारी सबकी हिम्मत तो तू है पुत्र, बस तू अपनी हिम्मत ना टूटने देना। बाकी ना मेरी रब से लड़ाई चल रही है, छोड़ूंगी नहीं उसको जब तक वो सब ठीक नहीं कर देगा। हाँ माँ, मेरा शेर बच्चा ही है, और तू चिंता ना कर, एडवोकेट बासु इज द बेस्ट, बहुत जल्दी छुड़वा लेंगे तुझे। यस, और हम सब भी है ना। हो गया भाभी बहुत, अब यहाँ से बाहर निकलो और सीधा घर चलो हमारे साथ। इनफ। हाँ भाभी, आई मिस यू, वी ऑल मिस यू, अब बहुत हो गया, बस अब घर चलो। हमारे लिए हमारे परिवार की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं है। कोई तुम्हें माने या ना माने, पर हम तुम्हें गुनहगार मानते हैं। अगर हम जज होते ना, तो इस गुनाह की सजा जरूर देते तुम्हें। सबसे बड़ा जज पता है ना पुत्र कौन है? वो जो ऊपर बैठा है, वो सब देख रहा है। और तू ही कहते ना पुत्र, ऊपर उसकी एक और अदालत है, तो वहां तू गुनहगार नहीं, यहां भी नहीं। वहां तुझे कोई सजा नहीं, तो यहां भी नहीं। एग्जैक्टली, हम सब जानते हैं कि तूने कुछ नहीं किया, और हमें तो उससे कोई शिकायत नहीं है। मिस लक्ष्मी, आपको कोर्ट रूम के अंदर चलना है, चलिए ले चलो। आप लोग प्लीज जगह दीजिए, ले आओ। मतलब इतना हैंडसम फॉरनर जैसा लौंडा देख लिया तो कौन है? जिसने मुड़ के पू कौन देखा, मैं हूँ। मना जरा दूर होके खड़ी हो ढंग से, वरना ये पकड़ के जेल में डाल देंगे, छोड़ने। मुँह छुपा के बैठ नहीं सकते थे कहीं पे? कब तक छुपाऊं? वैसे जब से तुमसे मिला ना, मुँह छुपा रहा, पहले खुला सांड बन के घूमता था, जो दिखता था उसे सींग मार देता था, पर जब से तुम मिले हो ना, तब से भीगी बल्ली बन के घूम रहा। ये देख लो, इसे देख के मुझे कमर झुकानी पड़ रही। और क्यों ना हूं मैं यहाँ पे वैसे? क्यों ना हूं? जब तुम्हारा काम हो तब तो मौत के कुएं में भी गाड़ी चलवा देती हूँ मुझसे, और जब मेरा काम हो तो मैं छुप छुप के घूमू, मैं नहीं घूमता छुप के। काम क्या है तुम्हारा, यहाँ किस काम से आए? काम से? अरे लक्ष्मी जेल जा रही है, उसके दीदार करने आया, और क्या करने आया यहाँ पे? ऐसी कौन से ऊर की परी है लक्ष्मी, जो दीदार करने का मन हो गया तुम्हारा? एक काम करो, सड़क पे जाओ, बहुत सारी लक्ष्मी घूम रही है एकदम सेम दिखने वाली, जा जाके उनका दीदार करो जाके। सुनो, ऊर की परी है लक्ष्मी। Yeah, why not? और मेरी लक्ष्मी में जो बात है ना, वो किसी में नहीं है, तुम्हारे में भी नहीं। Hey, shut up. Shut up. गलती से भी मेरा कंपैरिजन मत कर देना उसके साथ। चलो निकलो यहाँ से, आउट। क्यों निकलो? आउट। पैसे दे रखे तुमने, निकलो। लक्ष्मी जेल जा रही। मेरी जान, देखूंगा नहीं जाके, देखूंगा क्या हो रहा मेरी लक्ष्मी के साथ। दोनों ने मिलकर बहुत चरस बोया मेरी जिंदगी में, हीर रांझा ने, तो आज उनकी जिंदगी में आग लग रही, जाके हाथ तो सेकूंगा, फिर दारू पीऊंगा जम के इस गम में कि मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़ के जेल जा रही, और फिर खुशी में पीऊंगा कि किसी और की माशूका जा रही जेल। पैसा बहुत है, दारू पियेंगे जम के आज। होपलेस, होपलेस घटिया गिरा हुआ आदमी, एकदम होपलेस। बट नेवर माइंड, क्योंकि खुश होने का हक तो तुम्हें भी है ना। जब मैं अपने दुश्मन को जेल जाते हुए देख सकती हूँ, तो तुम भी तो देख ही सकते हो। तुमने जितनी अंग्रेजी में गाली दी मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, और कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताओ, अगर वो जेल ना गई और लक्ष्मी को हर बार की तरह ऋषि ने बचा लिया, फिर क्या करोगी? Impossible. मैंने प्लान ही कुछ ऐसा बनाया है। ऐसा क्या प्लान बनाया? Hey, दूर, आउट। हाँ मतलब क्या प्लान है ऐसा? अंदर आ रहे हो ना चेप, तो वहीं आके देख लेना, जाओ। आ रहा हूँ। एक सेकंड, लेकिन ध्यान से, कोई तुम्हें देखना ले अंदर, ठीक है? अगर देख लिया तो तुम भी लक्ष्मी के साथ साथ जेल जाओगे, फिर करते रहना दीदार उसका बेवकूफ। यो ब्रो, रॉकस्टार लग रहा मैं। लक्ष्मी जेल चली जाएगी अब, मेरी माशूका, पर सही है, किसी और की माशूका बनेगी तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। ए डोंकी, मेरे पैसे चुरा के भागेगा? तुम्हारे पैसे? अच्छा, अब भूल भी गया? फिकर नॉट, सही जगह भूला है। अब तो सारा हिसाब यही होगा, मेरे पैसों का भी और तेरे कर्मों का भी। पागल ना मना करो जाता, पैसे देने आ रहा, पैसे हैं पड़े हुए, पर क्या पैसे ना, मतलब रखे थे भूल गया रखे। तुम की कहीं को तुझे ना ढीचू ढीचू बत कर यहाँ। अब बोल, मेरे पैसे देखा या नहीं? और अगर मेरे पैसे नहीं दिए ना तो देख ले, पुलिस है यहाँ पर, जज है, अगर मैंने तेरा भांडा फोड़ दिया ना तो लक्ष्मी तो छूट जाएगी,
लेकिन तू जाएगा सीधा चल के इंटीरियर। सच में गधाई हूं मैं, मुझे सोचना चाहिए था। ये चुड़ैल भी आएगी यहाँ पे लक्ष्मी के लिए, पर नहीं, पता नहीं दिमाग का रहेगा। अब कैसे बचूं, क्या करूं? अरे अब इतना थिंकिंग क्या कर रहा है, फास्ट फास्ट बोल, मेरे पैसे भी देगा या नहीं? अरे बोल। पहले ना इज्जत से बात किया करो, आधा दमा दूं ना आपका। भरोसा नहीं क्या आपको मेरे पे? पैसे देने आ रहा था आपको उधार की मोटरसाइकिल मांग के, बार रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, क्या करूं मैं? एक्सीडेंट? हाँ तभी बड़ा हीरो बना घूम रहा है। पसलिया अगर आपको रखी मेरी, अंदरूनी चोट लगी आपको दिखाऊंगा मैं। नौटंकी कहीं का बंद करती, नौटंकी। अच्छा सारी बात छोड़ो, दूंगा पैसे ला के, आपको टेंशन ना लो, आप पैसे मिल जाएंगे आपके। एक मौका तो दो मुझे। एक चुप्पी ना दूंगी तुझे, पैसे दे मेरे अभी। मैं क्या कचहरी में पैसे लेके घूम रहा? इतनी बड़ी बड़ी बंदूक के ठा रखी इन्होंने, गोली मार देंगे हवाला के चक्कर में। कुछ सोच समझ के बात किया करो। एक तो कुछ नहीं सोचना मुझे, अंडरस्टैंडिंग? पैसे दे मुझे। ठीक है, काम करो, सामने बैठा जज, जाओ वो खड़े पुलिस वाले, बता दो बलविंदर बैठा, देखूं क्या फायदा होगा मेरे को अंदर कराने से आपका। जाओ बता दो। लक्ष्मी छूट जाएगी, इससे बड़ा फायदा और क्या होगा? आपको लक्ष्मी को छुड़वाना है? मेरे से ना खेल लो आप, ये आपको पैसे चाहिए तो पैसे बलविंदर ही देगा, सोच लो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो तो तू दे नहीं रहा, कुत्ता डॉगी कहीं का। अरे दूंगा, पक्का दूंगा, पक्का दे दूंगा, टेंशन ना लो आप। आपके पैसे ना मिले ना फांसी चढ़ा देना, और बताओ। सोच लेना, अगर मेरे पैसे नहीं तो सीधा फांसी, अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, सामने देख लो, अभी चढ़वाओगी? मैंने बस अंकल प्लीज, अब लक्ष्मी को कुछ मत बोलिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हें आइडिया है ना कि उसने क्या किया है? हाँ अंकल, लेकिन आप, हमारे बीच जो बात हुई थी वो भी याद है ना? जी अंकल, सब याद है मुझे, लेकिन आप प्लीज लक्ष्मी को कुछ मत बोलिए, उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ बासु, प्लीज डोंट माइंड, बट इसे कुछ मत बोलना, इसकी कोई गलती नहीं है। व्हाट? हाँ बासु, अब मैं कैसे बताऊं, बहुत बहुत सच्ची है, सच्चे दिल वाली है, इसका दिल पाक है, साफ है, ये किसी के बारे में गलत सोच नहीं सकती, ये खुद बहुत कुछ सहेगी पर किसी को सहने नहीं देगी। बस मैं इतना कहूंगा, ये झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, और ये तुम्हें भी अच्छी तरह मालूम है वीरेंद्र, कई बार सच्चाई को जिताने के लिए झूठ को हथियार बनाना पड़ता है। लेकिन अगर झूठ से किसी और का बुरा हो रहा हो तो? लिसन लक्ष्मी, एंड यू ऋषि, तुम भी सुन लो, कानून को घोंट करके पिया है मैंने, एंड दिस कोर्ट रूम, ये कोर्ट रूम वो जगह है जहां मैंने अपने घर से ज्यादा समय बिताया है। सच और झूठ की लड़ाई कैसे यहां लड़ी जाती है और कैसे जीती जाती है मैं जानता हूं, आप लोग नहीं जानते हैं। और मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, अगर तुम्हें ये केस जीतना है तो, वरना वीरेंद्र आई एम सॉरी, तुम चाहो तो दूसरा वकील कर सकते हो। लक्ष्मी बोलो ना क्या हुआ? ऋषि तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या कि मैंने सच बोल के गलत किया? आई एम प्राउड ऑफ यू लक्ष्मी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ा है, हमेशा सच का साथ दिया है, इसलिए आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई मीन इट। वैसे लक्ष्मी जो कुछ भी हुआ है उससे केस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो तुमने कहा वो सच था, लेकिन आधा सच था। तुमने खाना बनाया, जरूर बनाया, लेकिन खाने में कोई ऐसी डिश नहीं बनाई जिससे वो इंसिडेंट हुआ, इसलिए जो आधा सच है ना वो कोर्ट में बताना है और प्रूफ कर देंगे कि तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। और मैंने तुमसे वादा किया ना, प्रॉमिस किया, किसी भी हालत में आज तुम्हें वापस घर लेकर जाऊंगा, मतलब लेकर जाऊंगा। अबे इतनी पुलिस, लगता बेटे चुड़ैल चाची ने कर दी खबर, आज मरा मैं, पर मेरे लिए इतनी पुलिस आई? इतना बड़ा भाई कब से हो गया बेटे बल्लू, पर अब कैसे निकलूं यहां से? ए! क्या कर रहा है यहां पर? यहां एक टेररिस्ट की सुनवाई चल रही है, चल निकल यहां से। हरे रामा हरे कृष्णा,
कृष्णा रास्ता भटक गया था साहब। यहाँ तो पुलिस है इतनी। नहीं नहीं यहाँ नहीं आ सकता वो। जय हिंद जय भारत। भारत हमारी माता है। मिल जाए निकलो निकलो। कौन था वो पता तो करता। जाने को दिया। सर ने सावधान रहने के लिए कहा है कि नहीं। अरे ऐसे ही गलती से आ गया होगा। टेररिस्ट का साथी नहीं था वो। हाँ पर फिर भी ध्यान रखना चाहिए ना। गेटअप बदल के कोई भी तो अंदर आ सकता है। अब आगे से ध्यान रखना अंदर कोई ना आने पाए दोबारा। लक्ष्मी ने उस दिन खाना बनाया और उस खाने को खाकर लोग बीमार हुए हैं। एंड माय लॉर्ड पॉइंट टू बी नोटेड। उनमें से दो लोगों की कंडीशन अभी भी बहुत क्रिटिकल है। वो खतरे से बाहर नहीं है। उनकी जान भी जा सकती है। और उन सभी को जहर देने वाला शख्स और कोई नहीं आपके सामने है लक्ष्मी अबरा। आई हाईली ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। जहर तो खाना बनाने के बाद भी मिलाया जा सकता है और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कोई है जिस पर शक है और वो एक शेफ है जो उस दिन उस समय होटल के किचन में मौजूद था। योर ऑनर बाकी सारे शेफ से बात हो चुकी है लेकिन बस वो एक शेफ जो उस हादसे के बाद से ही फरार है। अब वो जानबूझकर फरार हुआ या चुपचाप भागा है उसने ये गुनाह किया है या नहीं किया है ये सारी चीजें हमें तब पता चलेंगी जब वो कोर्ट में आकर के गवाही देगा और उसके मिलने के बाद ही अदालत की नजर में ये क्लियर हो जाएगा योर ऑनर कि असली गुनहगार कौन है। कौन है वो शेफ और कहाँ है। अब तक पुलिस को आपने उसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं ताकि पुलिस उसे ढूंढकर अदालत में पेश कर सके। आई एम सॉरी योर ऑनर लेकिन मुझे खुद इस बात का पता काफी देर बाद मिला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पुलिस को हिदायत दें कि वो शेफ को ढूंढे और पता करे कि वो कहाँ है। और मैं यही हूँ योर ऑनर। आप लोग मुझे भाभी बोल लीजिए। जी भाभी जी आप बताइए हम आपके साथ हैं। मुकेश ये कहां से आ गया। पर इसे बताया किसने कि आज केस है। आई नो ये शायद न्यूज में देखे क्या आ गया होगा। ये यहाँ पे है इसका मतलब इसे छुपना नहीं था और इस इंसिडेंट से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं किया इसने। कमाल है। अब यहाँ आया तो देखते हैं क्या बोलता है। लक्ष्मी के खिलाफ बोलेगा या उसके फेवर में। आई होप फेवर में बोलेगा। तुम वही शेफ हो जिसकी यहाँ बात हो रही है। जी योर ऑनर। आप फिटनेस बॉक्स में आइए। मिस्टर अमोद यू प्रोसीड फर्स्ट। तुम्हारा नाम। मुकेश विजय पावस्कर। मैं ओबरॉय रेडियंट में शेफ हूँ। उस दिन खाना तुम ही ने बनाया था। जी मैंने बनाया। बाकी सब शेफ भी थे वहां पर। और उस खाने को खाकर लोगों की जान खतरे में पड़ गई और उनमें से दो लोग अभी भी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ऋषि क्या हुआ। लक्ष्मी की असलियत बर्दाश्त नहीं हो रही है तुमसे या फिर ये अच्छा नहीं लग रहा है कि वो गुनहगार साबित हो रही है या उसे सजा मिलते देखना नहीं चाहते तुम। डिफेंस के पास अब कोई सबूत नहीं रह जाता जिससे वो ये साबित करे कि लक्ष्मी ओबरॉय बेगुनाह है पर वो है भी नहीं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड।
साबित तो ये भी नहीं कर सकते कि लक्ष्मी गुनहगार है, क्योंकि ना ही इनके पास कोई सबूत है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह जिसने लक्ष्मी को खाने में जहर मिलाते हुए देखा था। लक्ष्मी ने खुद कबूल किया है। लक्ष्मी ने गुनाह कबूल नहीं किया है, उसने खाना बनाया था, बस इतना ही कबूल किया है। आप जा सकते हैं। आयुष और आपने यही जगह बताई थी मुकेश को? हाँ बेटा। तो वो आया क्यों नहीं अभी तक? आएगा, जरूर आएगा। पर डैड, जब मैंने उसे भगाया था ना, वो लक्ष्मी 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 कर रहा था, फिर आई एम स्केयर्ड कहीं वो फिर से लक्ष्मी भक्त बन गया तो। पैसे में बहुत ताकत होती है बेटा, भक्त की भक्ति और भगवान सब कुछ बदल देता है और अपना गुलाम बना लेता है पैसा। और मैंने उसे पैसा देने का वादा किया है, वो जरूर आएगा, डोंट वरी। आई होप। डैड, अब मुकेश, मुकेश आके अब तक सिंह पॉलर रिकॉर्ड्स, आप हैं ऋषि ओबेरॉय, ओबेरॉय रेडियंट के मालिक, लक्ष्मी के पति। कहिए क्या कहना चाहते हैं? सच कहना चाहता हूं। सच? सच तो सबके सामने आ चुका है कि लक्ष्मी ओबेरॉय क्रिमिनल है। इसने ये गुनाह किया है, इसके अलावा और क्या सच हो सकता है? लक्ष्मी ने कोई गुनाह नहीं किया, ये बात अभी तक प्रूव नहीं हुई है। और अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ना, वो ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं सच बोलने वाला हूँ और फैसला करना जज के हाथ में है, आपके नहीं। जज डिसाइड करेंगे कि लक्ष्मी क्रिमिनल है या नहीं। सॉरी जज साहब, मैंने इतना टाइम लिया बात करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता, इसलिए अब टाइम आ गया कि मैं सच सबके सामने लेकर आऊं, सबको पता चले कि असली सच है क्या। जब हमने ये होटल स्टार्ट किया था, मतलब मैंने और मेरे डैड ने ये होटल स्टार्ट किया था, तब ऐसे बहुत कम लोग थे जो 5-star होटल को अफोर्ड कर सकते थे। तब हमने उन पर्टिकुलर सेक्शन वाले लोगों के लिए डिस्काउंट्स ऑफर स्टार्ट किए, ताकि जो लोग 5-star होटल में आके खाना खाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं, वो आराम से आके कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें बहुत प्रॉफिट हुआ, इनिशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये पता चला कि जो हमारे एक्सपेंसिव क्लाइंट्स थे, जो रेगुलर थे, उन्होंने आना बंद कर दिया, उनका आना कम हो गया, और जो ये ऑफर वाले क्लाइंट्स थे, डिस्काउंट वाले, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और इस वजह से हमें बहुत लॉस भी हुआ, काफ़ी लॉस हुआ। और जब लॉस होता है तो हर कंपनी एक ही काम करती है, कॉस्ट कटिंग स्टार्ट कर देती है, तो हमने भी बिल्कुल वैसा ही किया। तो हमारे 4 होटल्स हैं, जिसमें से 2 होटल हमने बंद किया और 2 होटल अभी भी चालू हैं। बहुत बुरी हालत हो गई थी, किचन से सामान भी निकालना पड़ा, वहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी, इनफैक्ट ग्रॉसरीज, वर्कर्स, यहाँ तक कि मसालों में भी पैसे बचाने पड़े। मिस्टर ऋषि ओबेरॉय, इस सब का इस केस से क्या ताल्लुक है? आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके होटल की कहानी की हियरिंग नहीं हो रही है? इतना वक्त नहीं है अदालत के पास। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये कौन सा तरीका है किसी विटनेस से बात करने का? It's a matter of somebody's life and death, Your Honor. ये सवाल है एक बहुत ही संगीन जुर्म का, और इस जुर्म में किसी बेगुनाह को सजा ना मिल जाए, इसलिए वक्त तो देना ही पड़ेगा। मिस्टर अमोद, अदालत का वक्त जाया होने की चिंता मुझे आपसे। बाहर आतंकवादी है। आतंकवादी? टेररिस्ट? इंस्पेक्टर, जल्दी बैकअप बुलाइए। जी हाँ, मैं अपनी टीम को ही फोन कर रहा हूँ। मैं भी ट्राई करता हूँ। नेटवर्क नहीं है। मेरे भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप में से एक बार प्लीज चेक कीजिए, आप में से किसी के फोन में नेटवर्क आ रहा है क्या? नहीं है, नहीं है ऋषि भाई, नेटवर्क नहीं है यहाँ। किसी का आ रहा है क्या? बैठा यहाँ पे, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? नेटवर्क कैसे जा सकता है यहाँ से? लगता है आतंकवादियों ने यहाँ पे फोन जैमस लगाया, इसीलिए नेटवर्क नहीं आ रहा है। सर आइए, सर चलिए आप बाहर। बाहर क्यों जाना है? सर यहाँ रिस्क है, खतरा है यहाँ पे, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं। सर आपको बाहर ले जाना बहुत जरूरी है, चलिए आइए। और बाकी सब लोग? सर हम एक एक करके सबको बाहर निकाल लेंगे,
आप चलिए सर, आप आइए। तो तुम चाहते हो कि मैं न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय करूं, लोगों को खतरे में छोड़कर भाग जाऊं? सर लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप पहले सबको बाहर निकालिए, मैं लास्ट में बाहर जाऊंगा। सर सर हमें आपको प्रोटेक्ट करना होता है सर, और मुझे प्रोटेक्ट करना है लोगों के विश्वास को, मैं इंसानियत को खत्म नहीं कर सकता। प्लीज आप सबको बाहर निकालिए, आइए आप लोग आइए प्लीज। मैं भी हेल्प करता हूँ। आयुष तुम कहाँ जा रहे हो? ऋषि संभाल। आइए सर आइए। भाभी जी भी केयरफुल प्लीज। नहीं रुकिए ना, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पर मैं यहाँ हूँ तो टेस्ट अटैक का लाइव कवरेज करूंगा। अब होगा क्या, हम सब बाहर कैसे जाएंगे? देयर इज नो वे आउट मलिष्का, लेट्स जस्ट वेट। बट ऐसे कोर्ट में टेररिस्ट कैसे आ सकता है? Exactly. ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं नानी को छोड़कर वापस आ रही थी तभी मैंने इन लोगों को देखा था, ये वही लोग होंगे, और मुझे तभी समझ जाना था कि ये लोग जरूर कुछ करेंगे। ये टाइम पैनिक करने का नहीं है, हम सबको हिम्मत रखनी पड़ेगी, सबको। एग्जैक्टली सब लोग हिम्मत रखते हैं और एक एक करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सुचिता देखो, अगर मैं दूसरा फुटेज अगर कवर कर रही हूँ तो तुम्हें दूसरे साइड का फुटेज कवर करना है। मेक श्योर sure, ये न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी इजाज़, तुम जाओ इंटरनेट लगाओ जल्दी। बलराम ने क्या कहा था, हम अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। तू मोनिश भाई पे गन लगाएगा? नहीं कुछ नहीं बोल रहा, बहुत हिम्मत दिखाई है इसने, मुझ पे बंदूक तानी है, हिम्मत दिखाई है तो गोली तो चलानी ही पड़ेगी। चला गोली, हिम्मत है गोली चलाने की। लक्ष्मी ओबराय का केस भी इसी कोर्ट में चल रहा है, वो अभी अंदर ही है। और जज साहब खुद भी जो मुजरिमों का सजा देते हैं उन्हें जेल में डालते हैं, आतंकवादियों ने उन्हें बंदी बना लिया है। अंदर जितनी भी होस्टेजेस है उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हम किसी को कुछ भी होने नहीं देंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा, पुलिस ने वादा तो कर दिया है, पर क्या वादा निभाने में कामयाब होंगे? हम आपको एक बार फिर बता दें, आज कोर्ट में लक्ष्मी ओबराय का केस था जिसकी हियरिंग उनकी पूरी फैमिली अटेंड कर रही थी। सुनने में आ रहा है कि ओबराय फैमिली को भी जज और बाकी सिविलियंस के साथ आतंकवादियों ने बंदी बना लिया है। हाय रब्बा, दादी क्या करें क्या, ये आतंकवादी तो बहुत ही खतरनाक निकले। दादी कोर्ट को ना इनकी सुनवाई अलग से करनी चाहिए थी, अब देखिए ना कितने लोगों की जान दांव पर आ गई है। अब तो सब कुछ बप्पा पर ही है, बप्पा सबकी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना बप्पा। ए, चल कर, चल चल लीजिए। जो तोहफा हम इस जज को देने वाले थे अब इस ऋषि ओबेरॉय को देंगे, इसे मिलेगा आज का हमारा सरप्राइज गिफ्ट। हाँ इसी को दे दो आप साला, तभी पता चलेगा भाई पे बंदूक तानने का अंजाम क्या होता है। क्या, क्या? तो जा जाके लेके आ। ठीक है भाई चले। क्या, 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 क्या करने वाले ये ऋषि कृष्ण? आई डोंट नो भाभी, मुझे नहीं पता, आप घबराओ मत। जज बहुत हटोड़ा ठोक ठोक के ऑर्डर किया है ना तूने, अब अपने दिमाग पे हटोड़ा ठोक और पता पहचाना मुझे। तो जैसे शैतान को अगर कोई भूलना भी चाहे ना तो भूल नहीं सकता, नफरत, सब तुझसे नफरत करते हैं। तुमने एक स्कूल जलाया था ना, और तुम्हारे एक साथी ने तो अपने हाथों से उसमें आग लगाई थी, इसीलिए मैंने उसे उम्र कैद की सजा दी थी, लेकिन वो बीमार होकर जेल में ही मर गया, मुझे आज भी याद है। उस समय तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे। सबूत नहीं थे फिर भी तूने मुझे सजा दी? सबूत नहीं थे लेकिन फिर भी तू उस गुनाह में शामिल था। अफसोस, अफसोस सिर्फ एक ही स्कूल जला पाए, प्लान तो 10 स्कूल जलाने का था। अफसोस कि मैं तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ा पाया। जितनी सजा दी उतनी काफी थी। उसी का बदला लेने आया हूं मैं। क्या कहा तूने? दहशत नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब हो गया,
क्योंकि अब जो हम करने वाले हैं, शू दो अपना, क्या जूता दो अपना, दिमाग खराब हुआ ना, मर हो गया, जूता दो जितना कहा है उतना करो, जल्दी दो ना। इसने बोला ना अगर लक्ष्मी की वजह से किसी ने भी मुंह खोला तो ये लक्ष्मी को मार देगा, तो ये सही मौका है लक्ष्मी को मारने का। मैं ये जूता फेंकूंगी मोनिश के ऊपर और उसका गुस्सा वो लक्ष्मी पर उतारेगा एंड ये उसे मार देगा, फिर ऋषि मेरा हो जाएगा। कितने लोगों को मारा तूने? हाँ खाने में जहर मिलाया था ना, किसने फेंका ये, किसने अपनी मौत को ललकारा है? क्या कर दिया, गोली मार के छन्नी बना देगा मेरी, मरवा दिया तुमने मुझे, तुम्हें नहीं इडियट लक्ष्मी को। चमड़े का जूता, इसीलिए खांसी हो रही है भाई को, एलर्जी है चमड़ी से, अब भाई की खांसी जल्दी जाएगी नहीं। ए, पानी ला जल्दी कर, चलो भाई पानी जल्दी कर। आना निकलो यहाँ से, लक्ष्मी मैं मॉम डैड और आना को लेकर आता हूँ, तुम निकलो यहाँ से जल्दी। तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं मानते, तुम चाहती नहीं हो कि मैं जिंदा यहाँ से वापस। हाँ तो चुप रहो, चुपचाप जाओ, इनको लेके जाओ, लक्ष्मी प्रेग्नेंट है, लेके जाओ उनको। अरे हमसे मॉम, यहाँ क्या हो रहा है ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है। एक बार पता चल जाए कितने टेररिस्ट हैं, उसके बाद हम अपना प्लान बना सकते हैं। कितने आतंकवादी हैं और कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं ये सब पता करना है। क्या हुआ? कोई नहीं है। मुझे लगा कोई था, मिशन में पहली बार आया ना इसीलिए, होता है पसीने छूटते हैं। चल कोई नहीं है। मैं अभी जाके पकड़ दूं तीनों को, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको, कोई जल्दबाजी नहीं, खून तो मेरा भी खोल रहा है। हम लोग पुलिस वाले होकर छुप रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ इन्हें पकड़ना नहीं है, सारे आतंकवादियों को पकड़ना है, इनके कब्जे में जो लोग हैं उन्हें छुड़ाना है। लेकिन ये आसान नहीं होगा, यहाँ पर आतंकवादियों का बड़ा गैंग है और ये बात हमें आगे भी बतानी पड़ेगी। गामा सेक्टर कंट्रोल, खैरियत नहीं है सर, आतंकवादी घुस आए। ए यू, जबान संभाल के बात करना, वो कौन तुम? मुझे नहीं पहचानना क्या अंकल जी? पेरिपोना, मैं आपकी बेटी का साथी, इसके गुनाहों में इसका हकदार, इसकी चालबाजियों का हिस्सा, बल्लू। हाथ मिलाओ, बलविंदर सिंह कह सकते हो आप मुझे। लीव हिम डैड, मैं टैकल करती हूं इसे। बोलो अब क्या बकवास करने आए हो? बकवास मैं कर रहा हूं, तुम कर रही बकवास। जो तुम्हारे अब्बा कह रहे ना इनकी बात सुन लो, मैं वहां पे लक्ष्मी को लेके जाऊंगी, लक्ष्मी को लेके जाओ, अकेले जाओ तो अकेले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आतंकवादी की गोली घुसेगी ना खोपड़ी खोल देगी वहीं पे। और अगर अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो घटिया प्लान कैंसिल करो। तो ऋषि को कौन बचाएगा फिर? तुमने ठेका ले रखा ऋषि को बचाने का, लक्ष्मी को बनाएंगे बलि का बकरा या बकरी जो भी है। लक्ष्मी को बुलाया, उसे जान दो, तुम्हें कुछ नहीं है क्या? अब मैं बोल लूंगा इसे दिक्कत हो जाएगी, जल भून जाएगी और मुझे भी जला देगी, 100% जाएगी लक्ष्मी उसके पास, प्यार करती है वो उससे, करती है, तुम भी जानती हो करती है, और जाएगी और ऋषि के लिए अपनी जान दे भी देगी और जान ले भी लेगी किसी की। तो तुम ना ऋषि की लक्ष्मी की इनकी फिक्र करनी छोड़ दो, वो जो बैठा ना वहां पे राक्षस आतंकवादी टोपा पहन के, उससे बचाओ हमें, दिमाग लगाओ कैसे बचना। तेरी हिम्मत कैसी मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? दो कौड़ी के आदमी, दोबारा ऐसे बात मत करना। इसे छोड़ दो अंकल जी, बहुत महंगी खरीदी अभी नहीं है ये, 3 दिन पहनने भी छोड़ दो। जिसे 2 कौड़ी का बता रहे ना वो 2 मिनट में तुम्हारी बेटी और इसकी अम्मा सबको 2 कौड़ी का बना देगा, 2 मिनट नहीं लगने के, तो इसलिए 2 बार सोच के बोलना मुझे, समझ आई?
समझा लो अपने पापा को, नहीं तो इनका अब्बा डब्बा शब्बा कर दूंगा यहीं पे। इसका हाउ डे ही, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? तुम इसकी बात सुनोगी? डोंट कीप पेट्स लाइक हिम, स्पेशली ऐसे कुत्ते जो हड्डी देखते सब कुछ भूल जाते हैं। एक बात नहीं पता चलेगी, कुत्ते को पेट कहते हैं क्या? चलो ये भी पता चल गया। पर अंकल जी कुत्ता ना बहुत वफादार होता है, और जब वफादारी भूल जाता है, पागल हो जाता है, तो काट काट के अपने मालिक को ही खा जाता है। तुम देखो, तुम्हें और तुम्हारे अब्बा को कैसे काटता हूँ, ना तो इंजेक्शन मिलेगा ना मिलेगा पानी। Hey, shut up! Stop this nonsense. अब मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करना, समझे? बकवास बंद करो। कर दूंगा, कर दी। इनसे बोलो अभी कभी माफी मांगे, माफी मांगो। चलो कान बात देखिए, अपनी खुद को देखो जरा, तुमसे माफी मांगूंगा मैं? बदतमीज, मेरे से मांगनी पड़ेगी, गलती तो मेरे साथ करी ना आपने। यहाँ पे पूरा परिवार आ रखा आपका, जज भी है, पुलिस भी है, इतने सारे कैमरा भी हैं, पूरी मीडिया भी है, पूरी महाभारत बनाऊंगा यहाँ पे। जितने काला कर्म कर रखे ना आपकी लौंडिया ने, सबको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बलविंदर की नजरें अब तुम पे ही है, मलिश्का ध्यान रखना, हल्के में ले रहे ना, कोई दिक्कत नहीं अंकल जी। कैरी पोना, दिक्कत आने वाली, चलता हूँ। डैडी क्या किया आपने? अरे इसका वैसे स्क्रू ढीला है, पागल है, जंगली है ये कुछ भी कर सकता है। और आपने वैसे कुत्ते पालती क्यों? पठान अब तो डोंट वरी, ये काटेगा नहीं, क्योंकि जो भौंकते हैं ना वो काटते नहीं, चिंता मत करो। पूरा परिवार है मेरा। मम्मी जी, बाबू जी, सब लोग अंदर है, मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज। सुनाई नहीं दे रहा है? हमारे बेटे को जाने दो, हम डरने वाले नहीं है तुम जैसे बुजदिल लोगों से। हम तो तुम्हारी माँ के बारे में सोच रहे हैं, कितना पछतावा हो रहा होगा कि तुम जैसे बुजदिल को जन्म दिया है उन्होंने। बस! मॉम प्लीज आगे खोलिए। मॉम नीलम, मॉम मॉम, अब अगर किसी ने कुछ भी कहा तो उसकी जुबान यूं ही बंद कर दूंगा। क्या कर रही हो तुम? हाथ जोड़ो मेरा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे लक्ष्मी जी के पास जाना है। कहीं नहीं जाना है, जान का खतरा है सर। सर प्लीज, आप प्लीज समझिए, मेरा पूरा परिवार वहाँ पर है, ये लोग सब वहाँ पर है, मैं बस देख के आता हूँ, ठीक है कि नहीं है। इसलिए आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अरे यार जिम्मेदारी आपकी तो रोका क्यों नहीं आपने? और नहीं तो क्या, पुलिस होना, गन है ना आपके पास, तो सब आतंकवादी को ठहर ठहर करके मार क्यों नहीं देते? सबका एंड हो जाएगा। इतना आसान होता तो आप लोग कब के आजाद हो गए होते। प्लीज आप रुकिए, प्लीज। वो दोनों जब गए तब मैं यहाँ नहीं था, अब मैं आप लोग को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। क्या कर रहे आप आयुष, तुम ठीक हो ना? अरे मुझे क्या होगा बानी यार, सामने खड़ो तुम्हारे प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम वो शालू लक्ष्मी भाभी, वो लोग मेरा पूरा परिवार वहाँ पर है, वो लोग सेफ है कि नहीं मुझे कैसे पता? सर जाने दीजिए प्लीज, मैं बस देख कर वापिस आ जाऊंगा, समझ क्यों नहीं रहे? बाबा जी से प्रे करेंगे ना, किसी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये समझ क्यों नहीं है बानी, सिचुएशन बहुत खराब है, सब लोग वहाँ पर है, अनसेफ है, आतंकवादी है वहाँ पर। तुम्हें बड़ा समझ में आ रहा है ना, इसे चिल्ला रहे हो बच्ची पे, तुम्हारे केयर के लिए बोल दिए ना। पुलिस की नई टीम आ रही है, पर प्रशासन की क्या नियम है, उनकी क्या नीति है, इस पर अभी कोई खास खुलासा हुआ नहीं है। आतंकवादी मोनिश ने अभी तक पुलिस से कुछ भी नहीं कहा, या फिर पुलिस ने भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, हम देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। सर सर बताइए क्या प्लान है आपका, सर बताइए, आप लोग तो ऑलरेडी मौजूद है, नई टीम भी आने वाली है, बताइए। सर गोली चलने की भी आवाज सुनाई दी थी, क्या किसी हॉस्टेज को गोली लगी है? बताइए सर, बताइए। सो लेट मी हैंडल दिस। सर बताइए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, बताइए सर। कितने आतंकवादी हैं, क्या हथियार हैं, हॉस्टेज इसको कैसे बचाया जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, आप लोग पूरी दुनिया को बता देना, इससे उन आतंकवादियों को भी पता चल जाएगा कि हमारी प्लानिंग क्या है, वो लोग अलर्ट हो जाएंगे और फिर हमारी पूरी प्लानिंग को बर्बाद कर देंगे, अंदर जितने भी हॉस्टेजेस फंसे हुए हैं उनकी जान को खतरा और बढ़ जाएगा, यही चाहते हैं ना आप लोग? सॉरी सर। फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ लीजिए कि पुलिस अपना काम कर रही है, हम उन आतंकवादियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन हॉस्टेजेस को बचाने की, इसीलिए आप लोग हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। सर ये मीडिया भी ना, और थोड़ी देर, लेकिन सर थोड़ी देर में तो बहुत कुछ हो जाएगा अंदर। कौन हैंडल कर रहे हैं केस?
एसीपी कौन है? सर आप। तो फिर मुझे डिसाइड करने दो क्या होगा कब होगा, अंडरस्टैंड? यस सर। सॉरी आई मीन जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। सर कमिश्नर साहब ने मना किया ना आपको अंदर जाने के लिए? हाँ अंदर तो नहीं जा सकते, पर हमारे पास इतनी ताकत है कि हम दूसरा काम कर सकते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं सभी को बुलाओ और मुझे एक फोन दो, और वो नंबर भी जो कोर्ट में बात करने के यूज आ सके। जी सर। कॉन्स्टेबल्स इधर आओ। गायतोंडे मुझे एक रजिस्टर और पेन दो। जगम तुम मीडिया को दूर करो। अमित तुम एक चूहा लेकर आओ। चूहा सर? आतंकवादियों के लिए चूहा? ये आतंकवादी चूहे से भी बदतर है जो मासूमों की जान लेते हैं। अमित जाओ तुम चूहे का इंतजाम करो। ठीक है। और जगम तुम जाके मीडिया को रोको। तुम अभी तक रजिस्टर और पेन नहीं लेके आए? बोला ना अपने गंदे हाथों से छूना भी मत मुझे। ये थप्पड़ तुमने मेरे नहीं मारा लक्ष्मी, ये थप्पड़ तुमने खुद की गाल पे मारा, और इसका एहसास तुझे तब होगा ना जब तुझे पता चलेगा कि ऋषि उसके घर वाले सब मिलके धोखा दे रहे तुझे। तब याद आएगी तुझे बलविंदर की। सबको पता है खाने पे जहर तुमने डाला, मुझे पता है, लेकिन सारा इल्जाम तेरे पे थोप दिया। तू बताना कौन पसंद करता है तुझे? मलिष्का तुझे घर से धक्के देने में लगी हुई, नीलम आंटी धक्के देने में लगी हुई, मलिष्का की माँ वो चाहती है तुझे आज की आज फांसी लग जाए इसी कोर्ट में। पर रही बात बुआ की, ऋषि की बुआ, वो तो माला जपरी कि कब तू उस घर से निकले, कब तेरा तलाक हो ऋषि के साथ, और कब ऋषि और मलिष्का की शादी हो। और जिसके लिए तू मरने के लिए तैयार हो रही ना, वो ऋषि कम नहीं है। वो भी तेरे जैसी गांव दिखने वाली गवार दिखने वाली लड़की को पसंद पसंद नहीं करता, वो भी बस राहत देख रहा कब तुम्हारा तलाक हो। बस बस बलविंदर तुम कुछ भी कहते जा रहे हो मैं सहती जा रही हूँ, लेकिन अगर ऋषि के बारे में तुमने एक शब्द भी बोला ना तो उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगी, समझे? ऋषि क्या है ये तुम जैसा गंदा आदमी कभी समझ भी नहीं सकता। मैं जानती हूँ अपने ऋषि को, मुझे पता है वो मेरे लिए क्या है, और किसी और से कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है मुझे, समझे? किसको बताएगा? लुक डैड अगर वो लक्ष्मी को बताता है ना तो आई कैन हैंडल हर, आई डोंट केयर अबाउट हर, लेकिन अगर वो जाके ऋषि नीलम आंटी या वीरेंद्र अंकल में से किसी को भी बताएगा ना तो मुझे सीधा जेल होगी। राइट। अरे व्हाट राइट? आप चाहते हो कि मैं जेल चली जाऊं? सबने काम तो कुछ ऐसे ही किया है, वो घटिया बलविंदर को भड़का के। स्टॉप इट मलिष्का, तुम समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर वो बलविंदर, नीलम, वीरेंद्र या ऋषि इन तीनों में से किसी के पास भी जाएगा तो उसे आतंकवादियों के पास जाना पड़ेगा। कितनी हिम्मत है उस चीपों में कि वो मौत के मुंह में जाए, क्योंकि ये तीनों तो आतंकवादियों को कैद में है ना, तो नहीं जाएगा इसके पास। और अगर वो लक्ष्मी को बताएगा कि तो क्या टेंशन है? पर डैड आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अच्छा इमेजिन अगर सब कुछ ठीक हो गया और हम सब यहाँ से बच के बाहर निकल गए तो चांसेस है कि वो बाद में भी तो बता सकते हैं ना सबको, कि इवन इफ वो बाद में मुझ पर उंगली भी उठाएगा ना तो भी कोई उसकी बात में बिलीव ना करे, वो सब मेरी साइड हो, वो सब मेरी तारीफ करें और मुझे कोई ब्लेम ना करे। हम मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू डैड ये एकदम सही मौका है नीलम आंटी की नजरों में हीरोइन बनने का। मतलब? मतलब अभी देखा ना आपने कैसे लक्ष्मी हीरोइन बनने की कोशिश कर रही थी नीलम आंटी के आगे उनकी जान बचा के, तो अब वो चीज मुझे करनी है ताकि मैं महान बनूं अब नीलम आंटी की आंखों। तो तुम्हारा मतलब है तुम आतंकवादियों के पास जाना चाहती हो? Are you mad? बोलने से पहले सोच तो लो। हाँ जाऊंगी जाऊंगी मैं डैड। अच्छा डैड अब आप ये सोचो अगर हम सब लोग यहाँ से बच के निकल गए बाहर, ठीक है, तो भी तो चांसेस है ना कि बलविंदर सबको बता सकता है, वो मेरे लिए खतरा बन के रहेगा। और अगर हम लोग नहीं बचे, अगर हम यहीं पे मर गए तो मैं महान बनूं या ना बनूं मरूंगी तो हुई ना। और मुझे ऐसे नहीं मरना है डैड, मुझे सिर्फ और सिर्फ नीलम आंटी की नजरों में महान बनना है, और मुझे अपनी जान भी बचानी है और उस बलविंदर को उसकी औकात में रखना है, और ये 3-in-1 पर्पस को करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ये मलिष्का थी ना? हाँ ये तो मलिष्का ही थी। हाँ पर ये भाग क्यों रही है ऐसे? समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है किसी से बच के भाग रही होगी, कोई होगा इसके पीछे, एंड मे बी इसे कोई रास्ता मिल गया हो भागने का इसीलिए भाग रही होगी। ये लोग भी भाग रहे हैं, जरूर कुछ हुआ जो ये भाग रहे हैं। I'm sure ये लोग ना, ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम हियर, आई एम टेलिंग यू। मुझे तो मलिष्का की बहुत चिंता हो रही है। रुक, मुझे ना बहुत बेचैनी हो रही है। हम ठीक तो कर रहे हैं ना उन आतंकवादियों के पास जाके? चलो मैं तो ठीक कर रही हूँ, लेकिन तू क्यों आई मेरे साथ? अभी भी यही बोल रही हूँ, फिर वही बात, जहाँ तू वहाँ मैं। छोड़ना पागल हूँ पता है। चल।
हाँ, मुझे लगता है हमें इनके ना पीछे भागना चाहिए, प्लीज। हाँ, आर यू मैड? ये लोग कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, हमें थोड़ी पता है। हम अज्यूम नहीं कर सकते। नहीं, आई थिंक सोनिया इज राइट, ये लोग भाग रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा ना। आई थिंक हमें भी इनके पीछे भागना चाहिए। प्लीज, हमें पीछे भागना चाहिए, हम टेलिंग यू। आयुष, आई एम वेरी श्योर अब हमें इनके पीछे जाना ही होगा, और जो इनके नसीब में होगा ना वो हमारे। आयुष, हाँ? एक बात तो बता, हम सच में बचने के लिए जा रहे हैं या फिर मरने के लिए जा रहे हैं? अरे मुझे क्या पता, पर अगर इतना डर था तो पीछे पीछे रन क्यों कर रही थी मेरे? वो क्या है ना, मुझे अलोन मरने से फियर लग रहा था इसीलिए। अरे अगर मरी जाओगे तो फिर किस बात का फियर? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्लाइमेक्स चल रहा है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रानो जी, अभी तो देखो जी, यहाँ खड़े रहोगे ना तो पक्का मरी जाओगे, इससे अच्छा हमारे साथ रन करो, मतलब हमारे साथ चलो, बचने के चांसेस है। मुझे पूर नहीं मना, मुझे छुप के मरूंगी, अरे पहले जिंदा तो रहे। बलराम, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए थे उसे अंजाम देने का वक्त आ गया, सबको समझा दिया है ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझा दिया है भाई, बाहर के साथ ही अलर्ट और बिल्कुल रेडी, और अंदर तो हम साथ ही हैं, ऑलवेज रेडी। अच्छा है, लेकिन हमें प्लान में थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। हमारा टारगेट पहले ये जज था, लेकिन अब ये ऋषि और उसकी फैमिली भी यहाँ पे आ गए। बहुत रईस लोग हैं ये लोग, क्यों ना इनका थोड़ा फायदा उठाया जाए। लेकिन सरकार और पुलिस इन जज और इस VIP फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए हमें अपने प्लान में थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। करना क्या पड़ेगा भाई? बताता हूँ, मेरे पास आ जाओ सब। आई गेस यही चांस मिलेगा यहां से निकलने का। पागल हो गई क्या? क्या कर रहे हो यहाँ पे? जान से मार देंगे तुम्हें ये। अरे वो जाकर की फिक्र हो रही थी इसलिए मैं आई। तुम चुप रहो, खोलो। हम जानते थे कोई और आए ना आए, पर तुम जरूर आओगी। तुम हमारी चॉइस इसीलिए तो, क्योंकि तुम हमारी फैमिली की इतनी केयर करती हो। नीलम, संभाल के। क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हो? वो मैं इनको दूसरे रूम में बंद करने जा रहा हूँ। क्यों? क्या क्यों? पागल है क्या? ऑर्डर है ऊपर से। किसका? मेरा। पागल है क्या? ये सर में नूडल लगाएगी घूम रहा है, दिमाग चलना बंद हो गया तेरा? एक ही तो भाई है अपना, उन्हीं का ऑर्डर है, एक ही भाई है ऋषि। रिस्की नंबर वन मोनीश भाई, उनका ऑर्डर है। अबे ढक्कन हट आगे से, वरना ऋषि रिस्की भाई का ऑर्डर आएगा और गोली चलेगी, पहली तुझे और दूसरी मुझे। हट जा, हट हट। नहीं नहीं नहीं, ले जा चल, हट जा हट जा। सही कहना मामा? क्या सही कह दीजिए? चलो 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 चलो, हट जा, हट चलो चलो। बढ़िया खड़े जुज में साड़ी अखंड निकाल दूंगा, गोली मार दूंगा। मारो गोली है ये, कहना मेरे हाथ में। हाँ तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ ना, मारो। चलो ये लोडेड है, समझे? गन है। मारो। पागल हो गया, लोडेड गन लग जाएगी। क्या मजाक कर रहा था यार शालू, मैं सॉरी। मैं भी मजाक ही कर रही थी। ये मुझे पता तुम मजाक कर रही हो। हो गया तुम लोगों का, जगह और माहौल तो देखो, जरा सी भी बेवकूफी हुई ना तो सबके सब यहीं फंसे रह जाएंगे। रिलैक्स नीलम, रिलैक्स, ये थोड़ा माहौल को लाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली मामा। मामा मत बोल, आतंकवादी है। यस। सच में आयुष, बहुत हिम्मत दिखाई दी हम सबको ऐसे बाहर लेकर आ गए, तुम दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई। बाहर निकले नहीं अभी तक, ऐसे बिहेव मत करो कि घर के लिविंग रूम में हो। कभी भी कहीं भी कुछ भी बोलते हो ना, मजाक का टाइम नहीं देखते। आउटिंग पे आए हैं, पिकनिक चल रही है यहाँ पे, नहीं ना? एक तो ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड है, हम लोग पंगा ले चुके हैं टेररिस्ट से, और तुम लोग मजाक करने में लगे हो। जस्ट बी क्वाइट नाउ प्लीज, और ये सोचो कि हम घर कैसे निकलेंगे। हाँ हाँ हाँ, वॉक फास्ट फास्ट, गो एक्सटीरियर, गो गो, कम चलो। फिर बोले एक्सटीरियर जाना, क्या जाना?
इंटीरियर रह जाओगी? ओ मनीषा तुम भी कम बोलो, इंटीरियर रह जाओगी चाची के साथ? जाना नहीं जाना ना? Come on. लो गई भैंस वाटर में। अरे इतना लड़ मर के यहाँ तक पहुंचे, वो क्या मरने के लिए? अरे अब्बा अब तो सेविंग नहीं होगी, अब तो नहीं बचेंगे हम लोग। क्या हम नहीं बचेंगे? मैं मेरे बेटे को नहीं देख पाऊंगी। अरे आंटी आप ऐसे घबराइए मत, प्लीज कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, आपको सब ठीक हो जाएंगे और सब यहाँ से बाहर निकलेंगे। आप प्लीज हिम्मत रखिए, हम सब लोग हैं ना साथ में, कुछ नहीं होगा, बस हिम्मत रखिएगा। क्या करना है? अरे करना क्या है, गन है ना हाथ में, उड़ा दो चारों को। अरे क्या बात कर रहे हो आप अंकल, एक गन है मेरे पास, एक गोली मारूंगा वहां से चार गोली आएंगी, वॉर हो जाएगा, वार्ड में थोड़ी जाना है हम लोगों को, किसी को गोली भी लग सकती है ना। नहीं नहीं आयुष यू आर राइट, ये ऐसा नहीं चलेगा, प्लीज। आई मीन अब बाहर कैसे जाएंगे हम लोग ये सोचो। और ऋषि भी नहीं है यहाँ, वो होता तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता। बाऊजी वो बस आ ही रहा है, उसने बोला कि वो पीछे पीछे आ रहा है, वो करिश्मा बुआ सोनिया और किरण आंटी सब लोग पीछे ही है ना, तो उन लोगों को साथ लेकर बाहर आ रहा है वो बस। ओह गॉड आई होप वो ठीक हो। हाँ वो ठीक होगा मम्मी जी, उसने कहा था कि वो आ रहा है, वो यहाँ आएगा और हम सबको साथ में बाहर लेकर जाएगा, वो निकालेगा हम यहाँ से। सब लोग कहाँ है? बाकी सब लोग भाग गए होंगे, निकल गए होंगे यहाँ से। तुम्हारे साथ जो लोग थे कोर्ट के बाहर निकल गए ना, और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम क्यों आई हो, तुम क्यों नहीं गई उनके साथ? मैं तुम्हारे पास आ गई। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे पास आई क्योंकि तुम्हें बताना था कि जहाँ तुमने जाने के लिए बोला था ना वहाँ पर भी आतंकवादी हैं, तो हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। कोर्ट तो कहाँ है अभी, सब लोग कहाँ है? कोई सेफ जगह ढूंढ के ना वहाँ पे सब लोग छुप गए, लेकिन अब हम उस रास्ते से बाहर नहीं जा सकते। और इसका मतलब जहाँ पे सब लोग थे वहीं पे रह गए वापस से? मुझे लगा था पूरी फैमिली बाहर निकल जाएगी, ऐसे सब लोग बाहर निकल जाएंगे। करिश्मा बुआ सोनिया और किरण आंटी वो तो तुम्हारे साथ है ना, तो वो लोग कहाँ हैं? हाँ वो लोग अंदर ही थे, लेकिन मैं वहाँ से निकला तो वो लोग मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे, शायद कहीं छुप गए होंगे वो भी सेफ जगह पे। डैड ये आपने कैसे किया? आई मीन आपने एक बार बोला और इसे छोड़ भी दिया। क्या कैसे किया? अरे ये मैजिक, ये कैसे किया आपने? आई मीन आपने से ऐसे ऑर्डर दिया से आप उसके बॉस हो। बॉस तो सबका एक ही है बेटा, पैसा। मैंने इसके साथ एक डील की, ये लड़की और इसकी मॉम इस कोर्ट की बिल्डिंग से ठीक ठाक बाहर निकल जाने चाहिए। नहीं नहीं भाई मार डालेंगे। अरे इतना क्यों डर रहे हो? चलो ठीक है, जितना कहा है उससे दो गुना दूंगा, लेकिन हम ऋषि को भी साथ लेके जाएंगे। हाँ, प्लीज प्लीज। मुझे डर लग रहा है भाई, गद्दार की सुनते भी नहीं है, सीधा शूट। ओके मुंह मांगी कीमत दूंगा, छोड़ो ऐसे भाई को और ऐश की जिंदगी जियो। इतना दूंगा कि पूरी जिंदगी लगा दोगे ना तो भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। पर अगर पकड़ा गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का। लक्ष्मी 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 क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो ना? अच्छा हो गया रास्ते से मास्क मिल गया, अब ऋषि पहचान नहीं पाने वा, चेहरा ढकावा कर दे बैठे बल्लू इसका काम आज, आजा बैठे। पर ये लक्ष्मी ने तो देखा था मुझे, ये तो पहचान लेगी कपड़ों से।
लक्ष्मी बस दो मिनट खुद को संभालो, मैं अभी आता हूँ, सिर्फ दो मिनट, बस दो मिनट, आराम से, आराम से। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है मोनिश? अपनी औकात में रह के बात कर एसीपी, छह नाम से बुलाएगा तू? हाँ जानता नहीं किससे बात कर रहा है, एक धमाका करूंगा ना तेरी पूरी अकड़ निकाल दूंगा। बोल, करूं धमाका? नहीं मोनिश भाई। बोल। मैंने तो बात किया था लेकिन तुमने कट कर दिया। शुक्र मना कि सिर्फ फोन काटा था, किसी हॉस्टेज की गर्दन नहीं काटी। गर्दन तो आज तुम्हारी भी नहीं बचने वाली, कोर्ट के बिल्डिंग को हमने चारों तरफ से घेर लिया है, तुम चाहते क्या हो? मेरे तीन लोग तुम्हारे जेल में हैं, उन्हें रिहा करो। और बाबा साहब, कुलभूषण और मंदार, वो तीनों तो मौत के दरवाजे पे खड़े हैं, फांसी की सजा सुनाई गई है उन्हें और कल ही फांसी होगी। फांसी कल होने वाली है तो तुम उन्हें उससे पहले ही रिहा करोगे? ये तीनों हमारे मालिक हैं और हम मालिक के साथ बेईमानी नहीं करते। ये नामुमकिन है। क्या बोला? मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो तीनों दरिंदे हैं, बाहर आने के बाद पता नहीं कितनी लाशें बिछा देंगे। अगर तुमने उनको नहीं छोड़ा तो लाशों का ढेर यहाँ पे भी बिछेगा। मेरी बात कान खोल के सुन ले, कल उनकी सजा से पहले उन्हें रिहा कर देना वरना मैं यहाँ लाशों का ढेर बिछा दूंगा। मैं अपने गुरु का शागिर्द जरूर हूँ लेकिन दरिंदगी के मामले में उनका भी गुरु, वो एक मारेंगे तो मैं 10 मारता हूँ। और जानता सबसे पहले किसको मारूंगा? इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली यानी कि ये ओबेरॉय फैमिली, यही मेरे हॉस्टेज है। बोल, मार दो। वो कैसे, कोई मैजिक वॉन्ड मिल गया क्या तुम्हें? अरे सिचुएशन को देख के तो मजाक करो प्लीज। हाँ अगर हवा में उड़ने की जरूरत नहीं, नीचे रहो। अरे मैं मजाक कर ही नहीं रही हूँ। तो फिर क्या, सीरियस हो? सीरियस हूँ मैं। तो बताओ कैसे बाहर जाएंगे हम? किसने रोका है हमें यहाँ? एक्सक्यूज मी? नहीं बस इतने बताओ हमें यहाँ किसने रोका है? टेररिस्ट ने। एग्जैक्टली, एक आतंकवादी खुद हमारी हेल्प कर रहा है यहाँ से बाहर निकलने में। आई नो वो बदले में थोड़े पैसे ले रहा है लेकिन हु केयर्स, एटलीस्ट हमारी जान तो बच जाएगी ना, हम ऐसे सेफली बाहर निकल पाएंगे। और वो कोई बड़ा टेररिस्ट नहीं है, वो कोई इनका गैंग मेंबर है। नहीं मरिष्का, हम इस टेररिस्ट पे भरोसा ही नहीं कर सकते, वो खुद अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है तो हमें तो धोखा दे ही सकता है ना वो। एग्जैक्टली मरिष्का, डेफिनेटली कोई ट्रैप है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तो और क्या, पुलिस वालों के पसीने छूट जाते हैं इन लोगों को कन्विंस करने में। यार ये जाके कन्विंस करके भी आगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बार हटो यार, आना मेरे को चेक करने दो यार इसको, यार फीवर वीवर तो नहीं है क्या? शट अप, दिमागी बीमार। शट अप, मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, बट आई एम रियली सॉरी, इस बार तो मेरा मजाक नहीं, नीलम आंटी और मेरे फादर का मजाक उड़ा रहे। क्या मतलब? यस अंकल, ये डील उन्होंने ही की है। क्या यू मीन टू से नीलम और अभय ने डील किया? हाँ अंकल, इसलिए तो बोल रही हूँ ना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और चलते हैं हम लोग, हमें वहाँ पहुँचना भी है, प्लीज लेट नहीं करना चाहिए हमें। यार मामा मेरे को, मुझे नहीं समझ आ रहा है, ऐसे कैसे कोई आतंकवादी बाहर छोड़ के आ जाएगा? आई कांट ट्रस्ट देम, क्यों लेके जाएगा? या यू आर राइट, फाइन ठीक है, नहीं जाते। आयुष कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास? है तो जवाब दो। नहीं है ना, तो फिर अंकल जिसके पास जवाब है ठीक, उसकी बात तो मान लीजिए, प्लीज चलिए आप यहाँ से, प्लीज चलो प्लीज। जी सर। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ना, कोर्ट में जितने भी लोग फंसे हैं उन सबको बचाया जाएगा जल्द से जल्द। जी सर, श्योर सर, थैंक सर। मिस्टर्स के फोन पे फोन आ रहे हैं, पता नहीं ये मामला कब सुलझेगा, और अंदर भी नहीं जाने देंगे। हाँ बोलो, क्या सिचुएशन है? मोनिश ने डिमांड रखी है। क्या डिमांड है? होस्टेजेस के जान के बदले बाबू साहब, मंदार और कुलभूषण की रिहाई की जाए। क्या? उन तीनों को तो कल फांसी होने वाली है और वो छोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ सर, और उसने धमकी दी है, अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो बहुत तबाही मचा देगा। और सर, मिस्टर वीरेंद्र ओबेरॉय की पूरी फैमिली उसके कब्जे में है, अगर होस्टेजेस को कुछ हो गया तो पूरे देश में हंगामा हो जाएगा। पता है मुझे, होम मिनिस्टर भी बार बार फोन करके यही कह रहे हैं। तुम एक काम करो, मोनिश के साथ बात करने की कोशिश करो, उसको बातों में उलझाओ, अंडरस्टैंड? ओके सर। अच्छा तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम खींचो। ओके सर। और करिश्मा, सोनिया वो दोनों भी नहीं है, और ऋषि कहाँ है? एक सेकंड, मलिष्का, लक्ष्मी भाभी कहाँ पर है? तुमने कहा था सबको बाहर निकालेंगे। तीन सब तो है ही नहीं यहाँ मलिष्का। hey, wait, रिलैक्स, इतना क्या फौरन हाइपर हो जाते तुम लोग? अरे मुझे सबसे पहले तुम लोग दिखे हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुम लोग को यहाँ नहीं आई, अब मैं बाकी को लेने जा रही हूँ, रिलैक्स। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो मैं चलता हूँ, लक्ष्मी भाभी को भी लेके आएंगे, कम ऑन। मैं जा रही हूँ ना आयुष, तो लक्ष्मी के बिना थोड़ी ना आ जाऊंगी, उसको साथ लेकर ही आऊंगी, और ऋषि वैसे भी उसके बिना तो हिलेगा भी नहीं। या दैट्स ट्रू, जब तक लक्ष्मी भाभी यहाँ से नहीं जाएंगी ना, ऋषि भाई भी नहीं जाएंगे। करेक्ट, राइट?
तो इतना दिमाग तुम्हारे अंदर भी है, इस्तेमाल कर लिया करो कभी। नहीं मैं लेकर आती हूँ। जितने लोग आए गिन और 3 लाख के हिसाब से जोड़ ले। नीले में क्या हो रहा है? मलिष्का कह रही थी कि सच कह रही थी, ये लोग हमें सेफली कोर्ट से बाहर ले जाने वाले। अच्छा, क्या पूछ सकता हूँ ये ब्रिलियंट आइडिया किसका था? बट आर यू श्योर जो तय हुआ है वही होगा? ऑप्शन क्या है हमारे पास? बट डू यू ट्रस्ट देम? और क्या कर सकते हैं? यार शालू, मेरी ना गट फीलिंग कुछ और ही कह रही है यार। क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कट्टा खोद रहे हैं और खुद ही उसमें गिर रहे हैं। आयुष, मतलब यहाँ जो भी हो रहा है वो सही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों बस गलत लग रहा है, कुछ 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 तो गड़बड़ है। अरे बहुत सही ड्रामा चलता रहता है तुम्हारी खानदान में। अच्छा क्या इन सबको यहाँ ले आए? जब तक हमारे सामने रहेंगे हमारा एंटरटेनमेंट होता रहेगा। भाई ये सब हमें खरीदने का प्लान कर रहे थे। तुम्हारे खानदान में ये सब होता होगा, हमारे खानदान में एक दूसरे को धोखा नहीं देते, सही गलत जीना मरना सब साथ में होता है, इसीलिए तुम लोग को यहाँ लेके आए ताकि अपने मालिक को फांसी की सजा से बचा सके। वो हीरो हीरोइन का है लक्ष्मी और ऋषि, मुझे उन दोनों को मारे बिना चैन नहीं आएगा। भाई वो दूसरी लड़की बाकी लोगों को ढूंढने गई थी, मैं उसे लेके आता हूँ। बहुत अच्छा काम किया तुमने, तुम्हें नाम जरूर मिलेगा, मुझसे भी और मालिक से भी। जाओ बाकी सबको भी घसीटते हुए यहाँ लेके आओ। बहुत जल्द तुम्हारे परिवार के बाकी लोग भी यहाँ आ जाएंगे, फिर तुम्हारा परिवार पूरा हो जाएगा और एक एक करके पूरा खत्म भी हो जाएगा। क्या करूं, सब नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं मेरे दिमाग में कि अगर ऋषि बाहर गया तो उसे मार देंगे और नहीं गया तो लक्ष्य मर जाएगी। अब क्या करूं मैं? लेकिन मोनिश ने अभी तक फैमिली को कुछ किया नहीं, तो आई स्टिल हैव टाइम, मैं ऋषि को बचा सकती हूँ। हाँ उसे मैं बचाऊंगी कैसे भी करके। मलिष्का, ऋषि तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बाकी सब का है? मुझे नहीं पता, शायद से फंस गए हैं वो सब लोग। मैं जा रहा हूँ लक्ष्मी को बचाने के लिए। नहीं नहीं ऋषि, तुम बाहर जाओगे तुम्हें कुछ कर देंगे, मत करो, वो तुम्हें मार डालेंगे ऋषि प्लीज। लेकिन अगर मैं वहाँ नहीं गया तो वो लोग लक्ष्मी को मार देंगे और मैं लक्ष्मी के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। मलिष, क्या करोगे तुम? लड़ोगे वहाँ जाके? मारोगे उन्हें? क्या करोगे? अगर लड़ना पड़े तो लड़ूंगा, मारना पड़े तो मारूंगा, लेकिन लक्ष्मी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। लक्ष्मी के लिए मैं जान दे सकता हूँ और किसी की भी जान ले सकता हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा उसे मैं। ऋषि तुम, लेकिन मैं तुम्हें लक्ष्मी के लिए मरने नहीं दूंगी, तुम मेरे हो, तुम्हें जीना है मेरे लिए, तुम मेरे लिए जियोगे ऋषि। मैं आ गया, लक्ष्मी को कुछ मत करना। तूने मुझे बुलाया था ना? मैं आ गया, लक्ष्मी से दूर रहना। मान गया ऋषि, मान गया। तुम्हारा प्यार एकदम सच्चा है, एक दूसरे को बचाने के लिए यहाँ पहुंच ही जाते हो। हाँ पहुंच गया मैं। बस मोनिश तू अब लक्ष्मी से दूर रहेगा, तूने मुझे बुलाया मैं आ गया, जो बात करनी है मुझसे करेगा। बोल। ए, भाई को इज्जत से बोल, मोनिश भाई, बोल मोनिश भाई, समझा? मोनिश भाई प्लीज, हाथ जोड़ा हूं आपके आगे, लक्ष्मी को कुछ भी मत कीजिएगा।
मुझे ऑर्डर देगा, तू मुझे बताएगा कि किसे मारूं और किसे छोड़ दूं। इन सबको मारूंगा, एक एक करके ये सब मरेंगे, लेकिन सबसे पहले तुझे मारूंगा। अंधे हो, दिखाई नहीं देता, ऊपर झांक रहे हो बेशरम। बेवकूफ। सेम टू यू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सामने से इतना बड़ा आदमी आ रहा है, इतनी बड़ी मुच्छे ठाए, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? बिहेव योरसेल्फ, टेलिंग यू, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेवकूफ। अच्छा बात सुनो सुनो, बहुत जरूरी बात है। मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी घटिया आदमी? कैसे हिम्मत हुई? क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? जहर चला गया तुम्हारे शरीर में? ये सांप बिच्छू काट गया तुम्हें? मेरे हाथ से दारू पी सकती हो, मेरे साथ सारे गलत काम में पार्टनरशिप कर सकती हो, लेकिन हाथ पकड़ लिया तो दिक्कत हो गई। क्यों, करंट लग गया तुम्हें जो हाथ उठा दिया मेरे पे? गनीमत समझो हाथ उठाया, वरना तुम्हें उठा देती, याद रखना तुम। दिक्कत ना बता, दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत तुम्हारे खून में है। तुम्हारा बाप भी ऐसा, तुम्हारी माँ भी ऐसी, और तुम्हें पता तुम कैसी? चिल्लाओ मत, तुमसे ज्यादा तेज चिल्लाना आता है मुझे। आशिक नहीं हूँ मैं तुम्हारा, ना मजनूगिरी कर रहा तुम्हारे साथ। भाई हूँ, मोहल्ले में इज्जत है, क्या मोहल्ले में यो पर है। और ना मुझे अधिकारी चीज पसंद नहीं आती, मुझे अच्छी चीज पसंद आती है, इसलिए मुझे लक्ष्मी पसंद है। और तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ, कचहरी के बाहर भी कहता, फिर से कह रहा, मेरे लिए लक्ष्मी तुमसे 100 गुना ज्यादा सुंदर है। और जो ऋषि है ना, बचाने चला गया वहाँ पे लक्ष्मी को, और आतंकवादी के अनाउंसमेंट भी सुनी उसने, बोल रहा है कि ऋषि का मरना तय है और ऋषि आज ही मरेगा। अब हाथ मत उठा देना, किसी और का गुस्सा और अपनी हार की चिड़ मुझ पे मत निकालना मलिष्का, नहीं तो अगली बार हाथ उखाड़ के रख दूंगा, बता रहा हूँ तुम्हें। मैं यहाँ पे ना तुम्हें बचाने आया था, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था कि जिससे तुम ना मर जाओ आज आगे। पर ऋषि आज ही मरेगा मलिष्का, इसलिए तुम पता क्या करो, तुम्हारे बाप को बताया था करो। ओम शांति, इससे मिलेगी ऋषि की आत्मा को शांति और